हेलो एवरीवन माय नेम इस मनीष मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2023 के बारे में आपको बताने वाला हूं सीजीडीएमई के द्वारा बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग डेट जारी किया जाएगा जैसे ही व्यापम के रिज़ल्ट आ जाते हैं उसके बाद सीजीडीएमई के द्वारा बी नर्सिंग के संभावित काउंसलिंग डेट जारी कर दिया जाएगा तो काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं इतने ही राउंड इस साल भी आपके होने वाले हैं तो नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश 2023 के प्रोसेस के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग में तो सबसे पहले आपका फीस वाइज एक्टिविटी होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस साल भी इसी संभावित तिथि पर आपके ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे प्रक्रिया आपके शुरू हो जाएंगे डेट में थोड़ा बहुत आपके बदलाव देखने को मिल सकता है लेकिन आपको फेस वाइज एक्टिविटी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद उसके मेरिट लिस्ट एवं फर्स्ट अलॉटमेंट होते हैं यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और उसका अलॉटमेंट किया जाता है और अधिकतर जो अधिकांश सीटें हैं वो फर्स्ट राउंड पर ही फिल हो जाते हैं जो रिक्त सीट बच जाते हैं उनके लिए फिर अलग अलग और प्रोसेस होता है पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि आप पंजीयन करेंगे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके बाद उसका अलॉटमेंट होगा इस्क्रूटनी इस यानी कि छानबीन किया जाएगा दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा उसके बाद आपका एडमिशन होगा तो ये फर्स्ट राउंड प्रक्रिया हुआ अपडेटेशन रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए आप अपडेट कर सकते हैं अगर जिन कॉलेज पर आपने एडमिशन नहीं मिल पाया लगता है कि वहाँ पर मिलने की प्रॉबिलिटी कम है या संभावना कम है तो आप अपने फॉर्म को अपडेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है उसके बाद आपका सेकेंड अलॉटमेंट हो जाएगा उसका फिर दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा छानबीन होगा उनका फिर आपको एडमिशन मिलेगा सेकेंड अलॉटमेंट यानी कि सेकेंड राउंड पर फिर आपका होगा मापअप अलॉटमेंट होगा यानी कि राउंड का एडमिशन होगा राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है जो जहां पर आपको मिल यहां पर आपको मिलने की चांसेस जहां पर सिट रिक्त हो जाते हैं तो मॉप-अप अलॉटमेंट पर आपको एडमिशन मिल जाता है तो राउंड के लिए ये लास्ट प्रोसीजर होता है सेकेंड लास्ट प्रोसीजर मोप अलॉटमेंट होता है उसका फिर एडमिशन होता है अब जो भी रिक्त सीटें उसके बाद बच जाती है कोई भी कॉलेजों पर तो उसके लिए स्टे राउंड एडमिशन एट कॉलेज लेवल पर किया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस आपको सितंबर तक समाप्त होते हैं तो यहाँ से आप पूरी जानकारी पता लगा सकते हैं तो ये आपको बता दिया हूँ किस तरह से आपका एडमिशन होगा रजिस्ट्रेशन कब करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट उसके बाद आपका मॉपअप राउंड होगा मॉपअप राउंड के बाद स्टे राउंड स्टे राउंड होता है आपका कॉलेज लेवल पर होता है तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट राउंड पर नहीं आएगा तो आपको सेकंड अलॉटमेंट के लिए ट्राई करना है सेकेंड अलॉटमेंट में नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा मॉपअप अलॉटमेंट के लिए फिर आपको वहाँ पर भी नहीं होता है तो स्टे राउंड यानी कि लास्ट प्रोसीजर पर भी आपके होने के संभावना है पिछले बी नर्सिंग में आपको ज़ीरो परसेंट टाइल पर भी आपको एडमिशन हुआ था तो आपको निराश नहीं होना है आपको ट्राई अगेन ट्राई अगेन करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच